जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना एचपी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। राजगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी में संचालित कोको कोला कंपनी के खिलाफ मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन कर 5 दिवस पूर्व कंपनी के एचआर मैनेजर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था। आज 5 दिवस पूर्ण होने पर सभी मजदूर एकत्रित होकर कंपनी के गेट पर पहुंचे, मैनेजमेंट से मिले, जिस पर कंपनी की ओर से कहा गया कि हम कुछ नहीं कर सकते, ठेकेदार के पास जितना काम होगा उतने ही लोगों को काम देगा। इस पर भगवत सिंह, गोपाल सैनिक, संतोष लववंशी वर्कर, गीलाघेड़ी के उप सरपंच कमला प्रसाद शर्मा, रघुवीर सिंह रणावत को लेकर SDM से मिले। कोको कोला से निकाले गए श्रमिकों ने नरसिंहगढ़ SDM अमन वैष्णव को आवेदन दिया। बताया गया कि कंपनी द्वारा मजदूरों को निकाल दिया गया है, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम 20 वर्षों से कोको कोला में कार्य कर रहे हैं और कंपनी ने हमें निकाल दिया है। अब हम कहाँ जाएं? हमें वापस कंपनी में कार्य दिलवाया जाए, नहीं तो हम मजबूर हैं कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार कंपनी होगी। जिस पर SDM अमन वैष्णव ने आश्वासन दिया कि मैं कंपनी के स्टाफ को बुलाकर मीटिंग लेता हूँ और आपके लिए निराकरण करवाता हूँ। कोको कोला HR मैनेजर मनीष त्रिपाठी का कहना है कि ठेकेदार के पास यहाँ वर्कर काम करने आते हैं और जितनी उनको ज़रूरत होती है इतने लोगों से काम करवाते हैं, जितना लोड होता है उस हिसाब से वहाँ ड्यूटी देते हैं और हमने कंपनी से किसी वर्कर को नहीं निकाला है। जून जुलाई में यह स्थिति हर वर्ष होती है कि कंपनी में वर्कर कम लगते हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए और कंपनी सरकार के पूरे नियम फॉलो करती है। इस मामले में श्रम विभाग में भी 25 तारीख को पेशी लगी है, जिसमें हमको जवाब देना है। पीलूखेड़ी से शाहिद पठान की रिपोर्ट। 50 अच्छा, वो सब स्थानीय है कि भारी है? सब स्थानीय है, आधुनिक मशीन दिया। अभी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया जब आप जो नौकरी पे जाया करते थे और अब जो स्थिति हो रही है आपके साथ? पहले ऐसा था कि जब प्लांट डला हुआ था तो वहाँ पे सभी अधिकतर काम श्रमिकों के द्वारा होता था, कर्मचारियों के द्वारा होता था, ठेका मजदूरों के द्वारा होता था। धीरे धीरे कारखाने के अंदर नई तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा, जिससे कि जिसके कारण इनकी श्रमिकों की जो संख्या है वो धीरे धीरे घटती चली गई। आज घटने की तादाद ये है कि जहाँ एक शिफ्ट में एक समय पे 110-150 लोग लगा करते थे, आज वो संख्या 10-12 में सिमट के आ गई। लगभग आप कितने वर्षों से काम कर रहे थे? लगभग 20 साल से को निकाला जा रहा है। हाँ, 2-3 चार महीने से ये स्थिति चल रही थी। अच्छा, इनसे बात की थी, 5 दिन का समय मांगा था तो उन्होंने आज कोई संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। मजदूर के उनका कहना है कि हमारे हिसाब से काम करें, हम मजदूर के हिसाब से जो लगेगा वही लगा लेंगे। औद्योगिक क्षेत्र गीलाखेड़ी में आता है जी, ये जो फैक्ट्री है वो गीलाखेड़ी एरिया में आती है, तो ज़मीनें भी ली गई थी उस टाइम पे? क्या ली गई थी, एग्रीमेंट भी था उसका कि लोकल वाले को रोज़गार देंगे, जिनकी ज़मीन गई उनको भी देंगे, आसपास के लोगों को भी देंगे। उसमें आप थोड़ा दिन तो देते रहे और अभी 3-4 महीने से। अभी गीलाखेड़ी से कितने वर्कर होंगे? गीलाखेड़ी से परमानेंट जो होंगे? परमानेंट वर्कर तो दो, परमानेंट तो कोई है नहीं अभी यहाँ पर। ठेकेदारी में होंगे? ठेकेदारी में तो है, ठेकेदारी में 12 लड़के हैं। वहाँ से पहले थे 30-40 लड़के थे, पर सभी को निकाल दिया। परेशानी आ रही है कि जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे पहले से, उन मजदूरों को आज नौकरियों से धीरे धीरे करके बिना कोई लीगली लेटर के कंपनी से बाहर निकाला जा रहा है। ड्यूटियाँ नहीं दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है उनको। और जब कंपनी मैनेजमेंट से हमारी कुछ 5 बिंदुओं पे बातचीत थी, उस विषय में हमने चर्चा करी और हमारी जो मांग थी वो हमने उनको बताई, और 5 दिन का हमने उनको समय दिया था कि आप इस पर विचार करें और मजदूरों के प्रति आपकी भी जो भी निर्णय है वो हमको बताएं। फिर आप क्या कहना? आज उस विषय में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि ना नहीं, हम जो हमारी कंपनी के रूल रेगुलेशन हैं उसी के हिसाब से काम करेंगे और जैसा भी ऊपर से आदेश हमें आएगा और हमें जितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी हम उतने ही श्रमिकों से काम करवाएंगे। और ये रवैया सिर्फ अभी ही कुछ 2-4 महीनों में इन्होंने चेंज किया है, इसके पहले वही मजदूर बराबर यहाँ पर ड्यूटियाँ ले रहे थे। अब गाँव वालों का क्या रहेगा? गाँव वालों का यह रहेगा कि पूरा क्षेत्र इस आंदोलन में खड़ा रहेगा। हर गांव के प्रतिनिधि सरपंचों से भी मैं बातचीत करूंगा और सभी से आग्रह करूंगा इन मजदूरों के जो हनन हो रहा है इसमें मेरा साथ दें, इन मजदूरों का साथ दें और कंपनी प्रबंधन के ये अड़क रवैये के खिलाफ एक आवाज़ उठाकर सभी सहयोग करें। कंपनी के कहने ये है कि कोका कोला कंपनी अपने
काम की जरूरतों के हिसाब से एक श्रमिक ठेकेदारों के माध्यम से लेती है, जो सीजनैलिटी और उत्पाद की डिमांड के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। ठीक है सर, कंपनी आपके जरूरत के हिसाब से बढ़ता रहेगी, प्रोजेक्ट से आपका प्रोजेक्ट जो भी है, लेकिन जो वर्कर आपके यहाँ 20 साल से काम कर रहा है, आज अगर आपको जरूरत नहीं है तो वर्कर की क्या होगा उसके परिवार का? 20 साल से आपके यहाँ वर्कर है, तो आपकी डिमांड मना करने की, मुझे तो 100 वर्कर है, मेरे पास 50 की हो सकता है, तो 20 साल से पहले आपके यहाँ उसको क्या होगा? ऐसी परिस्थिति पिछले 20 सालों से थी, कोई नई परिस्थिति नहीं थी, ये हर साल जून जुलाई में ऐसे ही होता है, कोई अजूबा चीज नहीं होता। इसके ऊपर जो कोविड के बाद जो सिचुएशन हुई है ना, कि अगर ये सिचुएशन हमारा जैसे मई जून जुलाई टाइम जैसे होता है, जो हमारा सबसे अधिक ये होता है, तो इस साल हम उस टाइम पे भी हम लोगों को नहीं काम या था ही नहीं, फैक्ट्री में बंद पड़ा हुआ, तो जिसका असर पड़ा है और ये एक असर है, और इससे ज़्यादा कंपनी इस मामले में कुछ नहीं कहेगी। कंपनी सारे नियम कायदे कानून से बंधी हुई है, और ठेकेदार ठेका श्रमिक का नियोजन इस कारखाने में, कारखाने को जो लाइसेंस या जो रजिस्ट्रेशन है उसके बेसिस पे है, वो आप कर रहे हैं आपका अच्छे काम, तो मुझे कोई इशू उससे नहीं है, लेकिन अभी फेडरल गवर्नमेंट का कहना है कि वर्करों की हेल्प करो, पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, ऐसी स्थिति में वर्कर है ना सर, मैं मतलब वर्करों का पक्ष नहीं, लेकिन ऊपर ने जमीन अधिकार देकर कई कई लोग ऐसे हैं उनको खाना नसीब नहीं हो रहा, मतलब जो बाहर अगर क्या खाएंगे क्या कैसे रहेगा, तो कंपनी ने मतलब स्पेशल इनके लिए कोई सहायता देने का है कुछ ऐसा है प्रावधान आपके साथ, जो केंद्र सरकार करे हमें पता नहीं, केंद्र सरकार करे जो कंपनियों से इनकी हेल्प करो, जैसे भी कुछ ना कुछ करो, तो ऐसा प्रस्ताव आपके पास केंद्र सरकार से है या आपकी कंपनी के इनके लिए मतलब कुछ मदद करने की? हमारी कंपनी सरकार के बनाए हुए सभी नियमों का सर, उसमें ये है कि अभी तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि अगर कोई वर्कर ड्यूटी नहीं आता है तो उसको भी पेमेंट देना है, उसके बाद में एक और चीज़ है कि वर्करों का ध्यान रखा जाए, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाए, तो उस मामले में आपका क्या कहना है, क्या वर्करों को इस पोजीशन पे निकाला जाए? कि ठेकेदार ने किसी को नौकरी से नहीं निकाला है, ठेकेदार को जब जरूरत होगी जब काम बढ़ेगा तो उन्हीं लोगों को बुलाएंगे ठेकेदार, तो ठेकेदार ने किसी को नौकरी से नहीं, तो सर ठेकेदार ने इतने वर्कर रख रखे हैं और वो उन्हें 26 ड्यूटी भी नहीं दे पा रहा है, तो इसका क्या मामला है सर, इस पर आपने कोई कार्रवाई की है, आपकी तरफ से कुछ है सर? मैं आपको पहले भी बताया कि जितना काम होता है उसी के हिसाब से सर वर्करों का, जो आपके कॉन्ट्रेक्टर में जो वर्कर है आपके पास मिलती है, तो सभी वर्करों की रहती होगी आपके पास, जितने वर्कर जो काम करने आते हैं, मान लें किसी कॉन्ट्रेक्टर है आपके पास एक या दो, उनके 10-20 जो भी होंगे सबका रिकॉर्ड तो आपके पास रहता होगा, वर्कर नहीं रहता कॉन्ट्रैक्ट के बजे नहीं, आपके पास कुछ नहीं, आप तो सिर्फ कॉन्ट्रेक्टर के अकाउंट में पैसे देते हो, वर्कर की एंट्री आपके यहाँ मिलती होगी नहीं, उसके लिए तो सरकार के नियम है कि किसके पास कैसे पैसा जाना चाहिए, बहुत सारा पैसे तो जाने सर पैसे का इशू नहीं है, लेकिन मैं आपका कॉन्ट्रेक्टर हूँ, आपने कहा मुझे 25 वर्कर चाहिए, 25 वर्कर मेरे यहाँ आपके काम कर रहे होते, तो वर्करों की मेरे पास तो एंट्री है, लेकिन आपके पास ये वर्कर की एंट्री रहती है या नहीं रहती? हम जानते हैं कितने लोग काम में आते हैं, ठीक है, थैंक यू।